राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल खत्म होने के बाद दिल्ली को नया चीफ सेक्रेटरी मिल गया है। आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल खत्म होने के बाद दिल्ली को नया चीफ सेक्रेटरी मिल गया है। आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि 31 अगस्त को वर्तमान चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनकी जगह आईएएस धर्मेंद्र पदभार ग्रहण करेंगे। गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए धर्मेंद्र 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह अप्रैल 2022 से अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। धर्मेंद्र ने अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें एनडीएमसी के चेयरपर्सन के रूप में भी उनकी भूमिका रही है। अब वह दिल्ली के प्रशासनिक कार्यों की कमान संभालेंगे, जिसे लेकर दिल्ली सरकार में नए सिरे से उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि नरेश कुमार के कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया था, जो कि आज समाप्त हो रहा है। बता दें कि धर्मेंद्र के पास दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का अनुभव है। वह दिल्ली के रेवेन्यू विभाग में डिविजनल कमिश्नर, सह सचिव अर्बन डेवलपमेंट और दिल्ली नगर निगम में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे पदों पर रह चुके हैं। उनके इस विस्तृत अनुभव और प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए उन्हें दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वही अधिकारियों का मानना है कि उनकी नियुक्ति से राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और विकास के कार्यों को नई गति मिलेगी। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में आईएएस धर्मेंद्र की नियुक्ति से दिल्ली सरकार और प्रशासनिक तंत्र में एक नया उत्साह देखा जा रहा है। धर्मेंद्र के नेतृत्व में आने वाले दिनों में दिल्ली के प्रशासनिक और विकास कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और राजधानी को किस दिशा में ले जाते हैं। दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल न्यूज़।